हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। यस, आई एम हिना अहमद। सो आई एम हिना अहमद और आज मैं आपको अपने रूम का टूर करवाना चाह रही थी। मैंने कहा मैं आपको रूम दिखाती हूँ अपना और साथ साथ आपको अपना रिव्यू देती हूँ, अपना लाइट्स के बारे में दिखाती हूँ। चलें देखते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी कि किस तरह मैंने रूम में क्या क्या लगाया है। आप लोग भी जानते हैं कुछ बहुत ज़्यादा काम होते हैं और यही एक्चुअली स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम लग रही होती है, लेकिन एज अ प्रॉब्लम तो नहीं होती। एनीवेज मैं आपको इसमें मैंने LED लाइट्स लगाई हैं। वैसे तो यहाँ पर सीलिंग में लाइट्स वगैरह अवेलेबल हैं, सब काफ़ी लाइटिंग है। वो भी आपको अपने रूम का दिखाती हूँ और वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ अपने रूम की। चलें देखते हैं। और ये यहाँ पर जो ये क्लॉक है ना, ये बड़ी मुश्किल से लगाया था। एक्चुअली ये बच्चों का फेवरेट क्लॉक था और उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आता था, इस वजह से हमने जो है ये वाला क्लॉक लिया। उनका फेवरेट, उनको ये पसंद था। लेकिन एक्चुअली मुझे ना जो दूसरे क्लॉक होते हैं ना नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो क्लॉक पसंद था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हमने ये लेना है और अपने रूम में लगाना है, तो बस इन्होंने फिर यही लेकर इधर लगाया। और साथ में ये मैंने कर्टन इसके साथ चूज़ किए थे। एक्चुअली सोफ़ास की भी अलहदा ही अपनी कहानी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सोफ़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल से ऊपर आए थे और इसकी भी मैंने आपको वीडियो बना के दी हुई है। और ये LED है, इसके साथ स्पीकर्स हैं और ये बच्चों का एक्सबॉक्स है, ये लैपटॉप इनका साथ पड़ा हुआ है। और जी बस इस तरह के बस बच्चों की चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी एक सोफ़ा है और पीछे जो आप देख रहे हैं ये जो ये ग्लोब है, ये भी मैंने बाद में परचेज़ करके ऑनलाइन ही दराज से परचेज़ करके मंगवाया था, ठीक है। ये इसलिए यहाँ पर लगाया हुआ है कि यहाँ पर देखें ये मेरा है, ये मेरा मिरर है और यहाँ से देखें ये मेरा बेड है, ठीक है। ये भी एक दूसरा ग्लोब है। और जी मैं आपको ये बताती जाऊँ कि यहाँ पर जो है ये मैंने मिरर पे जो ये लाइट्स लगाई हैं ना, LED लाइट्स, ये बहुत डिफ़िकल्ट मुझे मिली हैं और मैं ये चाह रही थी कि मैं कुछ इस तरह जो है अपने मिरर के साथ जो है ये करूँ, क्योंकि मैंने जो है ना मेरा इसका ड्रेसिंग टेबल भी है ये सब न्यू लिया हुआ है, लेकिन मुझे ना बस अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाह रही थी कि ये ना इस तरह राउंड में मैं कटिंग करके इसको वॉल में फ़िक्स करवाऊँ, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल बहुत मैस करती है। और ये इसकी साइड टेबल है जो मैंने बिल्कुल मिरर के नीचे रखी है, ताकि जो भी मुझे कुछ लेना हो, कुछ रखना हो मतलब, तो वो यहाँ पे रख दूँ। और साथ ही मैंने इधर ये रैक लगाया है, ये देखें। पहले मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। ये ऐसा मैंने ना वो ड्रेसिंग टेबल को मैंने स्किप किया है, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो कंज्यूम करता है और मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा था। इस दफ़ा मैंने सोचा था मैंने बिल्कुल नहीं लेना और न्यू घर में अपनी मर्ज़ी से जो है ना मैंने ये चीज़ें रखनी है। और ये यह देखें, ये जो था ना ये बच्चों का फ़िश पॉट था, ये फ़िश जार था। और फ़िश जार को ना मैंने जब इनकी मछली, आपको पता है कि फ़िशेस ने एंड में जो है ना बेचारी इन्हें मरना ही होता है, तो जब फ़िश मर गई ना तो ये देखें मैंने ना इसके अंदर क्या क्या रखा है। ये देखें, ये लिप टिंट है, काजल है, सारी लिपस्टिक्स, नेल पॉलिशेस, ये जितनी भी ऑल ओवर है ना, अब मैंने जब भी लगाना होता है ये देखें। ये मेरे ना इसका भी मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ, सफ़ायर की बीबी क्रीम है जो कि 2600 की आई थी और इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट है इनके, लॉन्ग लास्टिंग जिसको कहते हैं ना रिज़ल्ट, इसका वो यानी कि इसका है। और साथ में ये देखें, जे डॉट का ही मस्कारा मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। मेरे पास जो है ना वो रिवाज की है, ये रिवाज का टिंट है, ठीक है। और मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ, ये है वो रिवाज का टिंट, इसका शेड बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट है इसका, तो ये मेरा फेवरेट है आजकल, मैं इसी को लगा रही हूँ। और ये नेल शार्पन के लिए रखे हुए हैं और ये भी जे डॉट का ये है आईब्रो के लिए, ठीक है। और साथ में
ये आईलाइनर है, इसी तरह की जितनी भी है ना लिपस्टिक मैंने इसके अंदर ही रखी हुई है, लिप लाइनर, लिपस्टिक्स और इस तरह की जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इसमें रख दी है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस होता था। आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो चीज़ें कभी इधर कौन सी लिपस्टिक लगानी है, अब ये मेरे सामने ना सब चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं इसको ईज़िली जो है ना जो मैंने लगानी होती है यहाँ से देखती हूँ और मैं ईज़िली जो भी लगानी होती है वो मैं ईज़िली लगा लेती हूँ। अब आगे आ जाएँ, ये है जी मेरा, ये देखिए ये सारे जो है ना मेरे इस दफ़ा जितने मैं प्रोडक्ट्स लेती रही हूँ ना परचेज़ करती रही हूँ ठीक है, और उतने ही मैं जो है ना कपड़े यानी कि लॉन के लेती रही हूँ, ड्रेसेस उनके साथ साथ मैंने ये भी लेती रही हूँ। और ये है आइडियाज़ का, ये देखें ये आइडियाज़ का है, फ्यून ट्रॉपिकल और बॉडी मिस्ट हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और जैसे जैसे मैं वहाँ से मैंने ड्रेसेस ली हैं अपने लॉन के सूट लिए और साथ ही मैं ये भी लेती रही हूँ, इसकी भी ये मेरा फेवरेट है। और ये देखें ये ओरिएंट का है, ये देखें ये ओरिएंट का है, और आज सूट भी मैंने ना ये ओरिएंट का ही पहना हुआ है ठीक है, ये देखें स्टाइल। और जो मैंने आज ड्रेस पहना हुआ है ना वो भी ओरिएंट का ही है, देखें ये ओरिएंट है और ड्रेस भी मैंने ओरिएंट का पहना है, और साथ इसका बॉडी मिस्ट भी है ना ये मैंने लिया था और इसी को ही मैंने अप्लाई भी किया। और इस तरह मैं साथ साथ जो परचेज़ कर दी गई साथ साथ, आपको पता है काउंटर पे जाएं तो जितना बिल बनाने में टाइम लगता है तो उन्होंने ऐसे रख दिए कि जी जिसका दिल करें साथ साथ ये भी देता रहे। ये देखें ये एक वेलवेट ब्रश है क्रूशियस का फ्रेगनेंट मिस्ट ठीक है, ये मैंने लाइम लाइट से लिया है। और इसका भी मैं आपको बताती हूँ, आपने देखा होगा ना काफ़ी आईब्रोज़ के लिए, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ मैंने ऑनलाइन, ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, कभी इस पे वीडियो बना के दिखाऊंगी, लेकिन अगर कोई लेना चाहे तो मेरी तरफ से ओके है ये ले ले, ये बहुत ज़बरदस्त है। एक ये है जी, और एक ये परफ्यूम है, और एक ये है ये बीस्ट्री का लिया मैंने, ये भी बॉडी मिस्ट है, बहुत ज़बरदस्त की फ्रेगनेंस है, देखिए ये भी बीस्ट्री का है, जो मैंने बीस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा मैंने शॉपिंग बीस्ट्री से बहुत ज़्यादा की है लॉन की, और उसी की और ये देखें, और ये क्लाइव से लिया था, क्लाइव शूज़ है ना ये मैंने उधर से लिया था, आपको वीडियो भी बना के दिखाई हुई है, और उसके भी बॉडी मिस्ट जो थे वो बहुत ज़बरदस्त थे। ये बस नीचे जो हैं पाउडर्स वगैरह, ये कुछ मेरी वॉच है, और ये मेरे जो हैं ये बच्चों का, ये देखें हेलीकॉप्टर रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर, और ये देखें ये मेरे पास पैलेट हैं, आई पैलेट्स हैं, ये भी मेरे रिवाज का है, और ये भी रिवाज का ही आई पैलेट है ठीक है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये विंस क्रीम है, नाइट क्रीम जो है ये वो है, और इस तरह की चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे रख दी हैं। रैक मुझे ये इतना मेरा फेवरेट रैक रहा है ना कि इसकी वजह से मैं ड्रेसिंग टेबल को भूल गई हूँ, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती ड्रेसिंग टेबल में, ड्रॉर्स में भी ना चीज़ें रख के इंसान भूल जाता है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़बरदस्त है। साथ में आपको मिरर का बताती हूँ ये मैंने किस तरह लगाया है, ये देखें ये सारा मैं आपको बताती हूँ ये मैंने किस तरह लगाया है। और इसका स्विच जो है ना ये बहुत मुश्किल से एडजस्ट हुआ है, इसकी वायर्स इतनी बारीक थी, तो खैर मैंने ये इसको बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया है, पहले यहाँ पे लगाया हुआ था, देखिए यहाँ पे ना ये देखिए राउंड एंड राउंड यहाँ पे लगाया था, फिर उसके बाद जो है मैंने इसकी प्लेस चेंज की है, लेकिन साथ ही मैंने ये एक्सटेंशन बोर्ड खुद से लगाया है, और अब इसका रिजल्ट देखें, मुझे तो रिंग लाइट की या उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और इसके बहुत ज़बरदस्त मेकअप करना हो तो बहुत अच्छा इसका लाइटिंग इफेक्ट है, देख रहे होंगे आप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और याद रखिएगा, और ये देखें दुआ में याद रखिएगा। टिल देन माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। और यहाँ पर मैं जो है आपको गाना सिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह लगाया था, बहुत लाइट लाइट, आपने बहुत आराम से बहुत ध्यान से, सो आप देख रहे होंगे कि मैं जितनी आराम से लगा रही हूँ कि बिल्कुल लाइट सा इसको बारीक सा इसका स्टिकर है, आपने वो आराम आराम से उतारते रहना है और इसको इस तरह से पेस्ट करते जाना, और जैसे कहते हैं ना चिपकाते जाना है वो होगा। मैंने बहुत ज़्यादा एलईडी लाइट्स यूज़ की हैं मिरर पर लगाने के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास वो वेस्ट हैं, सारी वेस्ट हैं, लेकिन इन द एंड जो मेरे हस्बैंड ने फिर मेरे लिए ये लेके आए, क्योंकि मेरी एक परेशानी बन गई थी, प्रॉब्लम बन गई थी मेरे लिए कि बस अब मैंने मिरर पर तो कुछ लगाना है, क्योंकि मैंने अपना बहुत ही महंगे वाला जो ड्रेसिंग टेबल है ना वो मैंने जस्ट वैसे ही अपने कूड़े उठाने वाले को दे दिया, रियली रियली रियली, और उसने उठाने के लिए भी पैसे लिए,
कि मुझे इसको मुझे पैसे देंगे तो मैं इसको उठाऊंगा। तो खैर मैंने उसको पैसे दिए और वहाँ से उठवाया क्योंकि वो अच्छा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा मैं किस रूम में रखूँ और न्यू घर में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से जो है ना मैंने उसको वहाँ से रिमूव करवाया। और देखें मैंने फिर इसको आखिरकार काफ़ी महीने बाद जो है ना, मुझे कम अज़ कम एक महीने बाद जाके ये जो है ना मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। खैर एनीवेज देखें मुझे बहुत खुशी हो रही थी इसको लगाते हुए, और जब मैंने लाइट्स ऑन की तो बस मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। सो आप ये देखें, अगर आपने भी अपने मिरर के ऊपर लिए लगाना होगा तो आप ये ज़रूर पेस्ट कर कीजिएगा और ये ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, इसको एलईडी लाइट्स कहते हैं। और इस तरह से देखिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी क्यूरी हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आप मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। ओके टिल देन मैं नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। और आप इंजॉय करें, मैं साथ साथ सॉन्ग प्ले करती हूँ और साथ साथ देखते रहें कितने मज़े से ये मिरर लग पे ये जो है एलईडी लाइट्स लग रही हैं। ओके टिल देन मैं नेक्स्ट वीडियो। बंधन के मुतियार आईना पटोला बन के मेरी राहें तेरे तक है, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा। मेरे सोने सोने आए बेमाई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना, दिल का दरिया नहीं गया इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे मेरी जरूरत तू बन गया, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, खुदा से मांग लाऊंगा तेरे नाल तक दीरा लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा।